जब भी मेरे पास फ्रूट केक डेकोरेशन के ऑर्डर्स होते हैं तो कस्टमर के लेने आने के आधे घंटे पहले ही मैं फ्रूट्स को कट करके केक पर डेकोरेट करती हूँ, ताकि केक जाते ही कट जाए और कटे हुए फ्रूट्स केक पर ज्यादा देर ना रखने पड़े। वैसे तो मैं न्यूट्रल जेल से कटे हुए फ्रूट्स को कोट कर देती हूँ ताकि उस पर शाइन बनी रहे, उसका कलर भी चेंज जल्दी ना हो, पर कटे हुए फ्रूट्स पर न्यूट्रल जेल कोट करने से ना वो बहुत ज्यादा मीठे लगने लगते हैं, और कितना भी हम कोट कर दे थोड़ा देर बाद ना उनका कलर चेंज होने ही लगता है। इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं तुरंत का तुरंत ही बना कर दूँ। कभी भी केक का स्पॉन्ज भी बना कर नहीं रखती हूँ, हमेशा ऑर्डर्स आने पर ना मैं फ्रेश स्पॉन्ज ही बनाती हूँ, क्योंकि 15-20 मिनट ही बेक होने पर लगता है और जो फ्रेश स्पॉन्ज का टेस्ट होता है ना वही आपको रियल केक का टेस्ट देता है। हो गया है केक रेडी, आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 kg का केक है, 600 चार्ज किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ फिर जल्दी। हर हर महादेव।